हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांस किचन में स्वागत है। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ मूंग की दाल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे तरीके से ये रेसिपी बना के खिलाएंगे अपने घर वालों को तो सच में वो आपके दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि मूंग की दाल का नाम सुनते ही जो है बच्चे बड़े सब नाक मुँह से कोड़ने लगते हैं। लेकिन आप एक बार मेरे तरीके से ये दाल बना के खिलाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने एक कटोरी से थोड़ा सा कम दाल ली है और उसको अच्छे से वॉश करके कढ़ाई में धीमी आंच पर दो कटोरी पानी डालकर उसको गलाने के लिए रख दिया। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ और हल्दी डालूंगी और इसको थोड़ा सा सिम गैस करके मैं इसे रख दूंगी। सिम इन द सेंस कि लो टू मीडियम पर इसको मैं पका लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। अब मैं इसे ढक कर थोड़ा सा गलने दूंगी। ये देखिए, मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे, उसके बाद हमारी दाल जो है ये थोड़ी सी इसमें कसर रह गई है। अगर इस टाइम पानी की ज़रूरत है तो फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, अगर ज़रूरत है तो। ज़्यादा पानी हम इसमें अभी नहीं डालेंगे। थोड़ा सा ढक के पका रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको 1 मिनट बाद फिर चेक किया है, इसमें थोड़ा सा पानी की ज़रूरत थी, मैंने इसमें थोड़ा पानी ऐड किया है और इसको ज़्यादा हम घोटना नहीं है, हमें बस हल्का सा इसको चला देंगे ताकि नीचे से लगे ना और हमारी जो गैस है वो सिम रहेगी। 2 मिनट के बाद फ्रेंड्स हमारी दाल ये जो है पूरी तरह अब पक चुकी है और इसे मैश अभी भी नहीं करना है, इसको खिला खिला रखना है। ये देखिए हमारी दाल पूरी तरह पक गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसमें तड़का लगाने की तैयारी करेंगे। तड़के के लिए फ्रेंड्स मैंने दूसरे पैन में तेल डाला है, लगभग 2 छोटे चम्मच ये तेल होगा। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा तेल कर सकते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डाला है। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं 2 प्याज थोड़े मोटे कटे हुए, जैसे हम पिज़्ज़ा वगैरह के लिए काटते हैं, ऐसे मैंने चॉप करके इसमें डाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 1 हरी मिर्च डाल रही हूँ और इसको हल्का सा गलाऊंगी, मैं थोड़ा सा ब्राउन करूंगी, ज़्यादा भूनना नहीं है प्याज को। अब मैं यहाँ पर लाल मिर्च डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लाल मिर्च डालिए। इसमें पिसा हुआ धनिया डाला है 1 चम्मच, 2 मैंने टमाटर डाले हैं रफली चॉप किए हुए। मसाला फ्रेंड्स अच्छे से हम थोड़ा भून लेंगे, अगर ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा पानी ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर मैंने थोड़ा नमक टेस्ट करके देखा था तो मुझे ज़रूरत लगी, अब मैंने इसमें काला नमक डाला है, हींग डाल रही हूँ मैं। मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। कसूरी मेथी डाल रही हूँ फ्रेंड्स, मेरे पास हरा धनिया नहीं था, आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर प्याज हमारे गल चुके हैं, मैंने इनको ज़्यादा मैश नहीं किया है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर इस स्टेज पर आप इसको ऐसे ही रखना चाहते हैं सूखा सूखा तो ये भी बहुत टेस्टी लगती है, बट अगर आप इसको थोड़ा सा लटपटा बनाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा इस टाइम पानी ऐड करके इसमें हल्का सा थोड़ी सी ग्रेवी रख सकते हैं। ग्रेवी मतलब कि आप इसको लिक्विड ही हो जाएगी थोड़ा सा। ये देखिए मैंने थोड़ा पानी डाला है इसमें, अब इसको 1-2 मिनट के लिए पका लीजिए, हल्का सा बॉयल आ जाए, दाल हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी मर्ज़ी, अगर आप सूखा खाएं तो ये सूखी भी बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोज़ में कुछ भी अच्छा लग रहा है, मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के रखिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ कमी लगे तो मुझे कमेंट भी ज़रूर कीजिए और सजेशन भी दीजिए। ये लीजिए फ्रेंड्स, आपकी दाल बनकर तैयार है, आ जाइए आप भी खा लीजिए। एक बार मेरे कहने पर ये रेसिपी आप ट्राई कीजिए, बहुत ही झटपट तैयार होने वाली है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके बच्चों को और आपके घर वालों को ये रेसिपी कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।